गोवर्धन पूजा इस साल 14 नवंबर को मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाती हैं और उसी की पूजा करती हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। वहीं जब तेज बारिश हुई तो गोवर्धन पर्वत ने ही ब्रजवासियों की रक्षा की। तब से ये पर्व मनाया जाने लगा और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। इस त्योहार को प्रतिवर्ष महिलाएं घर पर ही मनाती हैं। इसमें गाय के गोबर से कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, फिर उसकी पूजा की जाती है। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं सुबह या शाम कब बनाएं गोबर की गोवर्धन आकृति और क्या है इसे बनाने का तरीका। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। गोवर्धन बनाने के लिए सबसे पहले आपको गाय या भैंस का ताज़ा गोबर चाहिए। एक लकड़ी गोबर को आकृति देने के लिए, उनके वस्त्र तिलक करने के लिए सफ़ेद या पीला रंग, मोर पंख, एक दीपक गोवर्धन पूजा के लिए, साथ ही श्री कृष्ण की तस्वीर या प्रतिमा, इसके साथ ही जौ के बीज की भी आवश्यकता होगी। बता दें कि गोवर्धन पूजा के लिए गाय या भैंस का गोबर आप मंगवा लें। इस गोबर से एक चौक या बॉर्डर बनाएं। इसी चौक के अंदर पहाड़, भगवान श्री कृष्ण, गाय, पेड़ पौधे आदि सभी की आकृति गोबर से ही बना लें। ये आकृति बनाकर सुबह के समय इसकी पूजा करें। गोबर से बने इस चौक की पूजा के बाद शाम में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। गोबर से बनी चौक का सारा गोबर एकत्र कर लें। गोबर का पर्वत नुमा ढांचा बना लें। अब एक छड़ी की मदद से इस ढांचे की आंख, नाक बनाकर चेहरे का आकार दें। जब गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की संरचना सूखने लगे तो उसके मुकुट कपड़े पहनाकर उसे सजा दें। गोवर्धन पर्वत की संरचना में मोर पंख का भी इस्तेमाल करें। उनके माथे पर सफ़ेद या पीले रंग का तिलक लगाएं। पूजा करते समय फूल अर्पित करें। भोग में कील, बताशे और शक्कर के खिलौने भी चढ़ाएं। साथ ही शाम के समय इस पर दीपक जलाकर घर के द्वार पर भी रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।